Hello everyone, this is your bandini Sarma. Welcome back to my channel BMB tutorial. So in last session we have discussed question number two of exercise 12.2 and in today's session we are going to consider next further questions of same exercise. Okay, so let's start it. So question number three is subtract and the first part is minus 5y square from y square. ओके okay? तो इस क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्शन करना है और किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है ये आपको गिवन है तो देखिए फर्स्ट पार्ट में माइनस फाइव वाई स्क्वेयर को आपको वाई स्क्वेयर में से सब्रैक्ट करना है तो जिससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको पहले लिखते हैं ओके सो वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर में से हम माइनस फाइव वाई स्क्वेयर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए वाई स्क्वेयर को पहले लिखेंगे देन माइनस सब्टशन है ओके okay? और जो हमारा जिसको हम सप्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम हमेशा ब्रैकेट में पुट करते हैं माइनस फाइव वाई स्क्वेयर ओके वी आर सप्रैक्टिंग माइनस फाइव वाई स्क्वेयर फ्रॉम वाई स्क्वेयर दैट इज वाई वी आर राइटिंग वाई स्क्वेयर फर्स्ट देन माइनस फाइव वाई स्क्वेयर ओके सो इफ बी ओपन दिस ब्रैकेट सो सी वाई स्क्वेयर माइनस इंटू दिस माइनस इस प्लस सो फाइ वाई स्क्वेयर ओके जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन है उसका अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स है उनके साथ मल्टीप्लाई होगा सो माइनस इंटू माइनस एस प्लस नाउ सी बोथ आर लाइक टर्म्स वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर सो दे विल भी एड अप सो न्यूमेरिकल कोफी को ऐड करना है तो यहां पर कोई भी कॉपी सीड इसका मतलब वन है सो वन प्लस फाइव इज सिक्स सो सिक्स एंड एल्जेब्रिक फैक्टर्स विल रिमेन सेम सो सिक्स वाई स्क्वेयर ओके सो आंसर ऑफ दिस सप्रेक्शन इज सिक्स वाई स्क्वेयर ओके लेट सी द सेकेंड पार्ट सिक्स एक्स वाई फ्रॉम माइनस ट्वेल्व एक्स वाई सिक्स एक्स वाई को माइनस ट्वेल्व एक्स वाई में से सप्रैक्ट करना है इसलिए माइनस ट्वेल्व एक्स वाई को हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे ओके माइनस ट्वेल्व एक्स वाई में से सप्रैक्ट कर रहे हैं सिक्स एक्स वाई को दैट इज वाई वी आर राइटिंग माइनस ट्वेल्व एक्स वाई एज फर्स्ट टर्म माइनस दैन दिस इज दिस इज पॉजिटिव सिक्स एक्स वाई ओके सो नो नीड टू पुट हियर ब्रैकेट माइनस सिक्स एक्स वाई ओके जब भी जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगर वो पॉजिटिव है प्लस साइन के साथ है, तो उसको हम बिना के भी पुट्स कर सकते हैं क्यों क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज ऑलवेज माइनस बट अगर सपोज यही टर्म आपका नेगेटिव होता सो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता प्लस हो जाता सी तो देखिए दोनों ही लाइक टर्म्स हैं तो क्या होंगे दोनों ही नेगेटिव हैं ऐड होंगे सो ट्वेल्व प्लस सिक्स इज एटीन साइन विल गो विद ग्रेटर नंबर दैट इज ट्वेल्व हिस्टर सो माइनस एटीन माइनस एटीन एल्जेब्रिक फैक्टर इज एक्स वाई सो माइनस एटीन एक्स वाई ओके माइनस एटीन एक्स वाई ये क्या हो गया आपका इस सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट ओके नाउ सी द थर्ड पार्ट सप्ट्रैक्ट ए माइनस बी फ्रॉम ए प्लस बी फ्रॉम ए प्लस बी सो वी विल राइट ए प्लस बी फर्स्ट देन माइनस एंड द सेकेंड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इज ए माइनस बी ओके ए प्लस बी में से हम ए माइनस बी को सप्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो देखिए जब हम ब्राकेट ओपन करेंगे सो ए प्लस बी माइनस ब्रैकेट जब सेकेंड ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो माइनस का हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा सो माइनस इंटू प्लस ए इज माइनस सी माइनस इंटू माइनस बी इज प्लस बी माइनस इंटू माइनस इज प्लस सी ए प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट दोनों ही इक्वल है ऑपोजिट साइन के प्लस बी प्लस बी रिमेनिंग क्या है बी प्लस बी मीज 2b Okay, 2b 2b hi is subtraction ka answer Now see the fourth part Subtract a e in bracket b minus 5 from b in bracket 5 minus a So this algebraic term we will write first so b 5 minus a minus a b माइनस फाइव ओके इसमें से इसको सब्रैक्ट कर रहे हैं सो so, अगर हम ब्राकेट ओपन करते हैं तो क्या होगा बी इंटू फाइव फाइव बी कॉन्स्टेंट को हम हमेशा एलजावरे फैक्टर से पहले लिखते हैं ओके सो बी इंटू फाइव इज फाइव बी एंड बी इंटू माइनस ए इज माइनस ए बी ओके बी का जब हम माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस ए बी और यू कैन राइट माइनस बी ए माइनस माइनस ए इंटू दिस बी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस ए है सो so, इस माइनस ए का हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा सो माइनस ए इंटू प्लस बी एज माइनस ए बी एंड माइनस ए इंटू माइनस फाइव एज प्लस फाइव ए ओके दोनों ही नेगेटिव हैं इसलिए प्लस हो जाएगा आप टर्म्स को कलेक्ट करिए फाइव बी का कोई टर्म नहीं है मीन्स बी का कोई टर्म नहीं है माइनस ए बी माइनस ए बी दोनों ही नेगेटिव हैं ओके दोनों ही नेगेटिव हैं और दोनों ही इक्वल हैं तो क्या होंगे एड होंगे सो माइनस वन माइनस वन माइनस टू ए बी एंड रिमेनिंग प्लस फाइव एके देखिए फाइव बी माइनस टू ए बी फाइव ए तीनों ही अनलाइक टर्म्स हैं उनके एल्ज्रिक फैक्टर्स क्या हैं डिफरेंट है इसलिए अनलाइक टर्म्स है तो ये एज इट इज ही रहेंगे आंसर आपका यही सेम फाइव बी माइनस टू ए बी प्लस फाइव ए ही रहेगा ओके नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ पार्ट नाउ सी द फिफ्थ पार्ट माइनस एम सप्रैक्ट माइनस एम स्क्वेयेर प्लस फाइव एम एन फ्रॉम फोर एम स्क्वेयर माइनस थ्री एम एन प्लस एट इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से इसको सॉप्टैक्ट करना है तो इसलिए हम सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे सो फोर एम स्क्वेयर माइनस थ्री एम एन प्लस एट वी विल राइट फर्स्ट देन माइनस ओके अब यहाँ पर देखिए इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या है नेगेटिव है इसलिए होल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट में पुट करेंगे सो माइनस एम स्क्वेयर प्लस फाइव एम एन ओके नाउ नेक्स्ट फोर एम स्क्वेयर माइनस थ्री एम एन प्लस एट जब ये ब्राकेट ओपन करेंगे तो माइनस का क्या होगा हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा सो माइनस इनटू दिस माइनस एम स्क्वेयर माइनस इनटू माइनस इज प्लस सो प्लस एम स्क्वेयर माइनस इनटू दिस प्लस इज माइनस फाइव एम एन ओके Now we will combine the like terms so four M square plus M square minus three MN minus five MN then plus eight. Okay, now see four plus one four M square. प्लस वन एम स्क्वेयर मीन्स फाइव एम स्क्वेयर देन माइनस थ्री एम एन माइनस फाइव एम एन दोनों ही नेगेटिव हैं एड होंगे सो फाइव प्लस थ्री इज एट साइन इज नेगेटिव सो ए माइनस एट एम एन प्लस एट ओके नाउ सी दीज थ्री आर अनलाइक टर्म्स तो दे कैन बी कैन नॉट बी एडेड और सब सो आंसर विल रिमेन्स सेम फाइव एम स्क्वेयेर माइनस एट एम एन प्लस एट नाउ लेट्स मूव टू दिक्कत पार्ट सिक्स पार्ट इज सप्ट्रैक्ट माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस टेन एक्स माइनस फाइव फ्रॉम फाइव एक्स माइनस टेन फाइव एक्स माइनस टेन में से इस अल्जैब्रिक एक्सप्रेशन को सप्ट्रैक्ट करना है इसलिए हम फाइव एक्स माइनस टेन को पहले लिखेंगे ओके देन माइनस इन ब्राकेट क्योंकि इस टर्म का इस अल्जैब्रिक एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है नेगेटिव है इसलिए होल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट में पुट करेंगे सो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस टेन एक्स माइनस फाइव ओके सो फाइव एक्स माइनस टेन माइनस इंटू माइनस इज प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू दिस प्लस इज माइनस टेन एक्स माइनस इंटू दिस माइनस इज प्लस फाइव ओके आप देखिए फाइव एक्स फर्स्ट टर्म क्या है फाइव एक्स सो एक्स वाले टर्म्स को हम कंबाइन करेंगे सो माइनस टेन एक्स देन कॉन्स्टेंट माइनस टेन हेयर कॉन्स्टेंट इज प्लस फाइव एंड एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर का इसको छोड़कर और कोई भी टर्म नहीं है ओके सो फाइव एक्स माइनस टेन एक्स एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव लाइक टर्म्स है ना एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो क्या होगा सप्ट्रैक्शन होगा टेन माइनस फाइव इज फाइव साइन किसके साथ ग्रेटर नंबर ग्रेटर नंबर क्या है टेन टेन से पहले कौन सा साइन है माइनस सो माइनस फाइव एक्स ओके यहाँ पर देखिए माइनस टेन प्लस फाइव एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव सो so, क्या होगा सब्ट्रैक्शन सो टेन माइनस फाइव इज फाइव साइन किसके साथ हो ग्रेटर नंबर के साथ जाएगा मीन्स माइनस का एंड प्लस एक्स स्क्वा ओके सो माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव प्लस एक्स स्क्वायर नाउ दीज थ्री आर अनलाइक टर्म्स सो दे कैन नॉट बी सॉल्व ओके सो द आंसर इज माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव प्लस एक्स स्क्वेयर ओके लेट्स मूव टू द सेवेंथ पार्ट नाउ सी द सेवेंथ पार्ट सब करेक्ट फाइव ए स्क्वायर माइनस सेवन ए बी प्लस फाइव बी स्क्वेयर फ्रॉम थ्री ए बी माइनस टू ई स्क्वायर माइनस टू बी स्क्र नाव यू कैन सी दीज बोथ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेनिंग थ्री टर्म्स सो जनरली जब भी मोर देन टू टर्म्स होते हैं तो हम उनको कन्वेंशनल मेथड में सेकेंड मेथड से सप्ट्रेक्ट करते हैं तो देखिए इस अलज्रिक एक्सप्रेशन को हम इससे सप्ट्रेक्ट कर रहे हैं इसलिए इसको क्या हम पहले लिखेंगे मीन्स ऊपर लिखेंगे सो थ्री ए बी माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेम अल्जेब्रिक फैक्टर्स वाले टर्म्स को हम नीचे लिखते हैं तो देखिए ए बी फर्स्ट टर्म क्या है ए बी तो ए बी के नीचे हम ए बी वाले टर्म को ही लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है माइनस सेवन ए बी साइन के साथ ओके नेक्स्ट टर्म इज ए स्क्वायर ए स्क्वायर का टर्म है यहाँ पर क्या है फाइव ए स्क्वायर कोई साइन नहीं है इसका मतलब प्लस का है ओके okay? नेक्स्ट बी स्क्वेर सो बी स्क्वेयर का यहाँ पर टर्म क्या है प्लस फाइव बी स्क्वेर ओके इसको हम सब्ट्रेक्ट कर रहे हैं तो जब भी हम सप्ट्रेक्शन करते हैं मीन्स किसी अल्जेब्रे के एक्सप्रेशन में से दूसरे को सब्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे ये जो सब्ट कर रहे हैं माइनस के साइन का सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है ठीक है सो माइनस इंटू दिस माइनस प्लस सो फाइनल प्लस साइन वी विल पुट हियर, देन माइनस इंटू दिस प्लस इज माइनस माइनस इंटू दिस प्लस इज माइनस नाउ वी विल कंसीडर दिस साइन ओके अब हमें इन साइन को कंसीडर नहीं करना है हमें फाइनल साइन प्लस माइनस माइनस ये लेकर चलना है ओके okay? तो देखिए राइट हैंड साइड से सब्ट करेंगे सो माइनस टू बी स्क्वायर माइनस फाइव बी स्क्वायर दोनों ही क्या है और नेगेटिव हैं तो ऐड होंगे सो टू प्लस फाइव इज सेवन एंड एल्जेब्रिक फैक्टर विल रिमेन सेम बी स्क्वायेयर साइन किसका होगा ग्रेटर नंबर फाइव और फाइव के पहले कौन सा साइन है माइनस का इसलिए माइनस ओके नेक्स्ट माइनस टू माइनस फाइव दोनों ही नेगेटिव हैं ऐड होंगे सो फाइव प्लस टू एज सेवन साइन विल गो विध ग्रेटर नंबर दैट फाइव एंड बिफोर फाइव दर इज नेगेटिव साइन सो वी विल पुट इन नेगेटिव इन रिजल्ट ऑल्सो सो माइनस सेवन ए स्क्वेर ओके नेक्स्ट प्लस थ्री ए बी प्लस सेवन ए बी बोथ आर पॉजिटिव सो थ्री प्लस सेवन एज टेन ए बी एल्जैब्रिक फैक्टर will be same. So, 10ab. So, answer of this subtraction is 10ab minus 7a square minus 7b square. Okay. Now, see the 8th part. Subtract 4pq minus 5q square minus 3p square from 5p square plus 3q square minus pq. यहाँ पर भी क्या है ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थ्री टर्म्स वाले हैं इसलिए हम इसको इसी मेथड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए हम इसको ऊपर लिखेंगे मीन्स फाइव पी स्क्वायर प्लस थ्री क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू ओके अब देखिए यहाँ पर जो भी टर्म्स हैं जो भी टर्म्स हैं उनके नीचे ही हम इस टर्म के लाइक टर्म्स को लिखेंगे सो फर्स्ट टर्म इज फाइव पी स्क्वायर तो यहाँ पर पी स्क्वेयर का टर्म क्या है माइनस थ्री पी स्क्वेयर ओके इसमें से इसको सब्टैक्ट कर रहे हैं इसलिए इसको क्या हम नीचे लिखेंगे और लाइक को लाइक के सामने लिखेंगे ओके okay? लाइक को लाइक के नीचे लिखेंगे नेक्स्ट टर्म इज क्यू स्क्वेयर सो थ्री क्यू स्क्वायेयर मीन्स ये वाला टर्म विद साइन माइनस फाइव क्यू स्क्वेयर ओके नेक्स्ट माइनस पी क्यू पी क्यू वाला टर्म आपको लिखना है सो प्लस फोर पी क्यू देखिए पी स्क्वेयर पी स्क्वेयर क्यू स्क्वायेर क्यू स्क्वायेयर पी क्यू पी क्यू मीन्स लाइक टर्म्स को एक दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है हमने ठीक है जिसको हम सब्ट्रेक्ट कर रहे हैं उसके हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा सो माइनस इंटू दिस माइनस इज प्लस फाइनल साइन हेयर माइनस इंटू माइनस इज प्लस माइनस इंटू प्लस इज माइनस ओके अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम सब्ट कर रहे हैं उसके टर्म के साइन क्या होंगे चेंज हो गए माइनस था तो प्लस हो गया यहां पर भी माइनस प्लस हो गया यहां प्लस था तो माइनस हो गया सो फाइनल साइन प्लस प्लस माइनस है इनको कंसीडर करना है तो देखिए माइनस वन पी क्यू माइनस फोर पी क्यू वो था नेगेटिव सो दे विल बी अप सो फोर प्लस वन इज फाइव पी क्यू ओके साइन विल बी ऑफ माइनस दोनों ही नेगेटिव हैं ग्रेटर नंबर क्या है फोर फोर के पहले क्या कौन सा साइन है माइनस इसलिए आंसर में भी माइनस का साइन आएगा देन थ्री प्लस फाइव इज एट क्यू स्क्र साइन विल गो विद ग्रेटर नंबर दैट इज फाइव ईयर सो प्लस एट क्यू स्क्वायेर नेक्स्ट फाइव पी स्क्वेयर प्लस थ्री पी स्क्वायर बोथ आर पॉजिटिव सो फाइव प्लस थ्री इज एट पी स्क्वायर ओके सो आंसर इज एट पी स्क्वायर प्लस 8q square minus 5pq. Okay. So that's all about today's session in which we have discussed question number three. If you have any query doubt related to this question, can ask on comment section. And in my next upcoming session, we are going to discuss next further questions of same exercise. Till then, keep watching my channel. Thank you.